कॉकरोच का दूध कैसे निकाला जाता है और क्या सभी कॉकरोच दूध देते हैं? देखिए, एक डिप्लोटीरा पेक्टल नामक कॉकरोच होता है जिसे बीटल कॉकरोच भी कहते हैं। सभी कॉकरोच अंडे देते हैं, लेकिन ये एकमात्र कॉकरोच ऐसा है जो बच्चे पैदा करता है और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। जब साइंटिस्टों ने इनके दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इनके दूध में नॉर्मल गाय भैंस से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन मिला और कॉकरोच के दूध में 45% तो केवल प्रोटीन ही होता है और कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी इस दूध में मौजूद है। इसलिए साइंटिस्टों ने इसे नेक्स्ट सुपर फूड की कैटेगरी में रखा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि गाय भैंस के जैसे इनका दूध तो निकाला नहीं जा सकता, इसलिए कॉकरोच के पेट को काट कर क्रिस्टल की फॉर्म में इनका दूध बाहर निकाला जाता है। 100 ग्राम कॉकरोच के दूध को निकालने के लिए करीब 1000 फीमेल कॉकरोच के पेट को काट दिया जाता है और पेट कटती ही ये मर जाती है। अगर कोई कॉकरोच का दूध पीकर गाय भैंस से 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन लेना चाहता है तो वो 3 गुना गाय भैंस का दूध ही ज्यादा पी ले।